नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे आज ऐसे स्टॉक के बारे में जो अभी ब्रेकआउट देने वाले हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो स्टॉक्स ब्रेकआउट दे चुके हैं, अब उनका हम रीटेस्ट होने का वेट कर रहे हैं, या तो फिर जिस कैंडल ने ब्रेक किया है उसके ऊपर हम एंट्री लेने के लिए सोच रहे हैं। उस वीडियो में मैंने वो बातें बताई हैं जो स्टॉक ब्रेकआउट दे चुके हैं। बट ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो ये वीडियो ऐसी वीडियो है जिसमें हम उस स्टॉक की चर्चा करेंगे जो स्टॉक्स अभी ब्रेकआउट देने वाले हैं। मीन्स अभी मतलब वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है, जिन 10-12 स्टॉक के बारे में आपको बताऊंगा, ये स्टॉक्स जो है मे बी मंडे को ब्रेकआउट दे दे, मे बी ट्यूजडे को दे दे, मे बी यहां से रिवर्स हो जाए। ठीक है, तो ये स्टॉक आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखनी चाहिए। देखिए मैंने अपने वॉच लिस्ट में ये सारे स्टॉक्स को ऐड कर लिया है। देखिए अभी हमको मोमेंटम पकड़ने का मौका है। देखिए जो ब्रेकआउट दे चुके हैं अब वो रीटेस्ट हो गए तब हमको एंट्री मिलेगी, या फिर मे बी वो फेक ब्रेकआउट हो सकते हैं और दोबारा नीचे की तरफ आ सकते हैं। बट अभी ये जो मैं आपको स्टॉक्स बताने जा रहा हूं, इन सभी स्टॉक्स में अभी फ्रेश ब्रेकआउट होना बाकी है। सो हम यहां पर जो है मोमेंटम कैच कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस अपना रिस्क हम मैनेज कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट भी हम देख सकते हैं कि हमको कितना प्रॉफिट रखना है, क्या टारगेट है। जैसे मान लीजिए ये स्टॉक्स है, मान लीजिए हमारा राजा बैटरी का स्टॉक है, तो यहां पर देखिए जो यहां पर ये रेंज बनी हुई है, तो हम देखिए रेक्टेंगल पैटर्न है, तो रेक्टेंगल पैटर्न के जितनी विथ होती है हम उतना अपना टारगेट रखते हैं। सो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। देखिए मैंने अमराजा बैटरी के बारे में चलिए बात करते हैं, हमारा पहला स्टॉक अमराजा बैटरी ही है। अब मैं इसके बारे में आपको एक लॉजिक बताऊंगा। देखिए इस स्टॉक को मैंने आपको कुछ दिन पहले भी दिया था अपने ब्रेकआउट स्टॉक की वीडियो में। तो यहां पर ये देखिए, यहां पर ये एक देखिए रेक्टेंगल पैटर्न बना रहा था, और रेक्टेंगल पैटर्न बनाने के बाद फाइनली देखिए यहां पर जो ब्रेकआउट हुआ था, यहां पर मैंने इसको बताया था आपको 800 के लेवल के ऊपर बाय करने का। तो देखिए यहां पर हमारा जो टारगेट होना चाहिए तो 710 से लेकर 800, तो ये 90 पॉइंट का हमारा यहाँ पर टारगेट होना चाहिए। तो यहां पर देखिए 800 से लेकर के हमारा देखिए यहाँ जो टारगेट आ गया 800 से लेकर के ये देखिए 965, तो हमको चाहिए था 900, हमारा टारगेट 900 था बट यहां पर 965 आ गया। ठीक है, अब सेम सिचुएशन देखिए आगे भी यही हो रही है। जो जैसा रेक्टेंगल पैटर्न आपको यहां पर देखने के लिए मिला था, सेम देखिए रेक्टेंगल पैटर्न अब आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। अगर हम यहां पर बात करेंगे इसके रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस इसके 965 के आसपास है, और इसके सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जो है 890 के आसपास का है। तो मीन्स यहां पर हमारे पास 75 पॉइंट है, 75 पॉइंट। तो यहां पर जब जहां पर भी ब्रेकआउट होगा, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो हम ऊपर की तरफ बाइंग के लिए जाएंगे, और नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता है तो हम सेलिंग के लिए जाएंगे। मीन्स हमारा टारगेट जो है यहाँ पर 75 पॉइंट्स का होना है, जैसे कि मैंने आपको पहले ब्रेकआउट वीडियो में यहां पर आपको दिया था। सो यहां पर देखिए कितनी अच्छी जबरदस्त मूव हो गई। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, अब यहां पर क्या करना है आपको, 965 रुपए की क्लोजिंग के ऊपर मे बी यहां पर मंडे को या ट्यूजडे को ब्रेकआउट हो सकता है, तो इसको अपने रडार पर रखिएगा। 965 रुपए की क्लोजिंग के ऊपर हम यहां पर बाइंग के लिए देखेंगे। स्टॉप लॉस जो कैंडल ब्रेक करेगी उसका हम लो हम उसका स्टॉप लॉस लगा लेंगे। देखिए अगले स्टॉक की मैं बात करूंगा, अगला स्टॉक है देखिए इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। तो देखिए मैं यहां पर इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की यहां पर अगर बात करूं, तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस देखिए यहां पर एक कंटिन्यू मैं आपको देखिए थोड़े लॉन्ग पीरियड में दिखाता हूं। देखिए ऊपर से एक रेक्टेंगल सॉरी एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है, जो यहां पर देखिए लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए कंटिन्यू ऊपर से नीचे की तरफ चले आ रही है। और नीचे की तरफ से अगर हम बात करें तो एक ट्रेंड लाइन हमने नीचे की तरफ से ड्रॉ की है। मीन्स हमको यहां पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न मिल चुका है। अब देखिए यहां पर इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया है, और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने के बाद बाहर की तरफ निकल चुका है। मीन्स अब ये ट्रायंगल पैटर्न से बाहर की तरफ निकलकर ट्रेड कर रहा है, और बाहर की तरफ निकलने के बाद देखिए अब यहां पर इसने एक रेंज बना ली है। मीन्स देखिए अगर हम रेंज की बात करें तो इस तरह से मैं आपको देखिए ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करूंगा। यहां पर देखिए मैं चीजें आपको सारी प्रॉपरली लॉजिकली बता रहा हूं, ठीक है ना। सो यहां पर वीडियो ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए अब हम यहां पर बात करें तो ये जो ट्रायंगल पैटर्न था, तो ट्रायंगल पैटर्न के बाहर ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट होने के बाद देखिए अभी सस्टेन कर रहा है। अब यहां पर ये सस्टेन करने के बाद देखिए एक रेंज इसके ऊपर की बन गई है। ऊपर की रेंज 210 रुपए की है, और जो नीचे की रेंज है वो 170 रुपए की है। मीन्स हमारे यहां पर 40 पॉइंट्स का यहां पर जो है टारगेट हमको निकल के आ रहा है। अब ये देखिए 210 रुपए के ऊपर क्लोजिंग अगर करता है, देखिए यहां पर एक कैंडल ने यहां पर 16 दिसंबर को यहां पर ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, बट यहां पर सेलर्स एक्टिव हो गए और सेलर्स ने इसको देखिए मूव को जो है नीचे की तरफ लाकर क्लोजिंग कर दिया। सो मतलब क्लोजिंग कहां पर आई, जो पिछला मतलब हाई लगा हुआ था उसके आसपास जाकर कहीं क्लोजिंग आ गई। अब हमको 210 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, एक कैंडल 210 रुपए के ऊपर क्लोज हो जाए उसके हाई के ऊपर हम यहां पर बाय कर सकते हैं। तो दूसरा स्टॉक था इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। तीसरे स्टॉक की हम बात करेंगे तो तीसरा स्टॉक हमारा है ल्यूपिन।
तो ल्यूपिन भी यहां पर अगर देखेंगे तो आप सेम पैटर्न में काम कर रहा है। देखिए ऊपर से जो ट्रेंड लाइन हमारे पास रेड कलर की ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ करके रखी हुई है, यहां से देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट में भी यहां पर 21 दिसंबर को करने की कोशिश करी थी, बट यहां पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो नहीं पाया। अब यहां से मैं अगर आपको एक नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं तो आपको सेम जो है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस जैसा ही पिक्चर दिखाई देगी। देखिए अब यहां पर देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न यहां पर भी हमको दिखाई दे रहा है। मींस अब देखिए अब जो एक रेंज है, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा लॉजिकली चीज। देखिए यहां पर देखिए ये सपोर्ट था, सपोर्ट से देखिए बाउंस बैक हुआ, बाउंस बैक के बाद फिर यहां पर सपोर्ट हुआ, फाइनली सपोर्ट यहां पर ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए ये यहां से रिवर्स हुआ। कहां से रिवर्स हुआ? जो सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस बन चुका है। तो रेजिस्टेंस लेवल से ब्रेक हुआ, रिवर्स हुआ, और रिवर्स होने के बाद देखिए ट्रेंड लाइन के आसपास से फिर यहां से रिवर्स हुआ। अब अगेन जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जाकर फिर एक बड़ी कैंडल बनी। अब दोबारा देखिए यहां पर फिर रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है। अब यहां पर अगर ये 985 के ऊपर क्लोजिंग, 990 रुपए के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो हमारा यहां पर टारगेट नियर अबाउट 1100 रुपए के आसपास का है। तो लुपिन में भी नजर बना के रखिएगा, 990 की क्लोजिंग इसको जो है 1100 तक लेकर जाएगी। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा डीमार्ट। तो देखिए डीमार्ट में आपको मैं यहां पर बताऊं तो देखिए ये देखिए अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो कंटिन्यू का हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन में डीमार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, और फाइनली ऊपर देखिए इसको एक 2725 2730 के आसपास इसको जो है एक हर्डल फेस करने को दिख रहा है। अब देखिए इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, इस पैटर्न को हम बोलते हैं असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न मोस्टली अप ट्रेंड में ही बनते हैं और अप ट्रेंड ऊपर की तरफ ही ज्यादातर ब्रेकआउट होते हैं। तो देखिए अगर यहां पर अब 2750 के ऊपर की क्लोजिंग की हम वेट कर रहे हैं, जिस दिन भी 2750 के ऊपर की क्लोजिंग आ गई मींस कैंडल ने यहां ब्रेकआउट करके 2750 रुपए के ऊपर क्लोज कर दिया, उसके बाद हम यहां पर डीमार्ट को बाइंग कर सकते हैं। देखिए स्टॉप लॉस हमको क्या रखना है, स्टॉप लॉस हमको रखना है जिस जो कैंडल ब्रेकआउट करेगी उसके लो का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टॉक की मैं बात करूंगा तो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है सीमेंस। तो सीमेंस यहां पर देखिए कंटिन्यू यहां से एक चैनल पैटर्न बना रहा था। यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे आप, मैं चार्ट और पीछे कर देता हूं, यहां देखिए एक चैनल पैटर्न बना रहा था और कंटिन्यू देखिए मैंने यहां पर अपर वीक पकड़कर मैंने अपर की तरफ मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, और नीचे के जो सपोर्ट लेकर जहां से बार बार बाउंस बैक हो रहा था तो यहां से देखिए मैंने एक नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। तो देखिए जब ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों सिमिलर टाइप की ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ होती है तो उसको हम असेंडिंग चैनल पैटर्न बोलते हैं। तो ये एक चैनल पैटर्न है, और फाइनली देखिए यहां पर जो चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था बहुत जबरदस्त कैंडल से ब्रेकआउट हुआ था, और यहां पर जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं यहां पर वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम भी यहां पर बहुत जबरदस्त लगा था। अब देखिए ऊपर जाने के बाद ये जो है इसका जो लेवल है 1570, तो 1570 एक इसका हर्डल है, रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस को बार बार देखिए यहां पर जाकर बार बार नीचे की तरफ रिवर्स हो जा रहा है। अब यहां पर देखिए अब यहां पर हमको क्या करना है, हमको 1570 रुपए के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग होने की वेट करनी है। देखिए ये यहां पर मैं ये सारे वो स्टॉक बता रहा हूं जो अभी ब्रेकआउट देने वाले हैं, जो ब्रेकआउट दे चुके हैं उसकी मैंने एक अलग वीडियो बना दी है। सो यहां पर ये सारे मैं उन स्टॉक की चर्चा कर रहा हूं जो स्टॉक अभी ब्रेकआउट देने वाले हैं, जिसको हमने अपने रडार पर रखना है, जिसको हम अपना देखिए अलर्ट लगाकर रख सकते हैं जब वो प्राइस आए। सो देखिए आप यहां पर एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका एक कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया कि 1570 के ऊपर की क्लोजिंग का हम यहां पर वेट कर रहे हैं, तो आप 1572 1573 1575 का जो है अलर्ट लगाकर रख सकते हैं। वहां पर जब भी ये प्राइस आएगा तो आपको अलर्ट मिल जाएगा कि ये प्राइस आ चुका है, उसके बाद आप ये स्टॉक को जाकर देख सकते हैं कि स्टॉक्स ने ऊपर की तरफ क्लोज दिया है या फिर 1570 75 से जाके फिर रिवर्स नीचे की तरफ आ गया है। तो इन चीजों का ध्यान रखकर आप जो है ट्रेडिंग में अच्छा पैसा बना सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए हमारा टाइटन। तो टाइटन देखिए हम 1208 रुपए के लेवल से हम यहां पर कंटिन्यू ट्रेड कर रहे हैं। सेम अगर देखेंगे जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सीमेंस में बताया, तो यहां पर भी देखिए चैनल में ही कंटिन्यू काम कर रहा था टाइटन, और यहां पर मैंने आपको एक पिछली वीडियो में मैंने आपको 1440 के आसपास मैंने इसको बाइंग करने के लिए दिया था कि 1440 के ऊपर का ब्रेकआउट वीडियो में मैंने टाइटन को भी ऐड किया था। सो 1440 के ऊपर हमने यहां पर टारगेट दिया था, और सॉरी यहां पर एंट्री के लिए बताया था 1440 के ऊपर कैंडल क्लोज होती है तो हम यहां पर एंट्री कर सकते हैं, और 1510 1520 रुपए का टारगेट दिया था। तो यहां पर देखिए हमारा जो हाई लगा है, यहां पर हमारा हाई जो लगा है 1528 का लगा है। सो यहां पर हमारा पहला टारगेट अचीव हो चुका है। अब फाइनली देखिए अब इस चैनल का तो ब्रेकआउट हो चुका है। यहां पर देखिए चीजों को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। यहां पर देखिए ये जो चैनल हमने ड्रॉ करके रखा हुआ है, चैनल का तो ब्रेकआउट हो चुका है। मींस चैनल का ब्रेकआउट होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब यहां पर एक बहुत बड़ी मूव पेंडिंग है अभी। सो देखिए चैनल का तो ब्रेकआउट हो चुका है, बट ब्रेकआउट होने के बाद ये एक लेवल है 1530 का, जहां पर टाइटन कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है। अब सस्टेन करने के बाद जैसे ही ये लेवल निकालेगा तो यहां पर टारगेट हमारे 1600 और 1700 के हमारे यहां पर टारगेट है। सो 1530 यहां पर लेवल ध्यान रखिएगा, 1530 के ऊपर हमको एक कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। 1530 के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग आती है, मे बी उसका हाई हो सकता है 1540 1545,
तो उसके ऊपर जाकर हम बाइंग कर सकते हैं ब्रेकआउट कैंडल का लो का स्टॉप लॉस रखकर। देखिए टाइटन को ध्यान रखिए, टाइटन एक जबरदस्त मूव दे सकता है। तो चलिए अगला स्टॉक में बात करूंगा अडानी गैस। तो अडानी गैस में भी देखिए मैं यहां पर एक आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ये एक ट्रेंड लाइन था, इस ट्रेंड लाइन के पास हमने जो है ट्रेड भी लिया था। तो यहां पर भी देखिए सेम चीज हो रही है। देखिए जो मैंने आपको सीमेंस में दिखाया, जो मैंने टाइटन में दिखाया, अब वही सेम चीज देखिए चैनल यहां पर भी बना हुआ है। और चैनल का ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कितनी बड़ी मूव हुई है। सो अभी वो सीमेंस और टाइटन में ही ये वाली बड़ी वाली मूव अभी बाकी है। सो वहां पर अभी बड़ी मूव की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि वहां पर बड़ी मूव हो सकती है, और यहां पर ये बड़ी मूव हो चुकी है। अब देखिए ट्रेंड लाइन से बाहर निकलने के बाद यहां पर भी ये कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है। अगर मे बी अगर ये 380 के ऊपर क्लोज दे देता है तो अडानी गैस को हम ट्रेड कर सकते हैं ऊपर की तरफ। अगर ये नीचे की तरफ निकलता है तो इसको छोड़ दीजिएगा। मे बी देखिए यहां पर डबल टॉप पैटर्न एक्टिव हो सकता है और ये नीचे की तरफ भी आ सकता है। देखिए लेवल पे ट्रेड करिएगा, 380 की क्लोजिंग के ऊपर ही इसको ट्रेड करना है, अदरवाइज ट्रेड नहीं करना है। अब यहां पर देखिए मैं यहां पर आपको दिखाऊंगा टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा में अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो हमको यहां पर एक असेंडिंग चैनल पैटर्न यहां पर था हमारे लिए। ये देखिए यहां पर जो है एक रेजिस्टेंस लेवल था और यहां से हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी। तो ये हमारा जो था असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन गया। अब इसी ट्रेंड लाइन को हमने एक्सटेंड कर दिया। देखिए तो यहां से देखिए अब जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन चुका है। तो देखिए यहां से ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर की तरफ जाकर इसी सपोर्ट से आकर फिर बाउंस बैक कर रहा है, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर नीचे जो आ रहा है इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस जो था हमारा सपोर्ट बना हुआ है, फिर यहीं से बाउंस बैक कर रहा है। फाइनली देखिए यहां पर एक बड़ी कैंडल बनी हुई है। अब हमको देखिए अगर ये 960 रुपए के ऊपर निकलता है, इंट्राडे में ध्यान रखिएगा, अगर 960 रुपए के ऊपर निकलता है या 965 तक की क्लोजिंग दे देता है उसके बाद हम यहां पर बाइंग कर सकते हैं। देखिए टेक महिंद्रा में भी एक बड़ी मूव बाकी है। एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं कि टेक महिंद्रा में हमको जो है यहां पर 1000 और 1100 के टारगेट हमको बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर रेड्डी। तो देखिए मैंने ब्रेकआउट वाले स्टॉक में वीडियो मैंने आपको चार फार्मा स्टॉक दिए हुए हैं, और ध्यान रखिएगा फार्मा स्टॉक जो है बहुत जबरदस्त मूव कर सकते हैं आने वाले दिनों में, मे बी जनवरी के महीने में, फरवरी तक। मतलब ये बहुत अच्छी मूव अभी जो है फार्मा स्टॉक्स में बाकी है, तो फार्मा स्टॉक्स पर नजर बनाकर रखिएगा। अब यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको डॉक्टर रेड्डी दिया था, फाइनली अभी तक देखिए यहां पर ब्रेकआउट नहीं हुआ है। हमने यहां पर बताया हुआ है कि यहां पर 5300 के ऊपर की हमको क्लोजिंग चाहिए। जब तक 5300 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आती तब तक फिलहाल अभी हम इसको वॉच ही करेंगे। तो देखिए जब तक 5300 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक इसको अपनी वॉच लिस्ट में आप लगा कर रखिए। 5300 के ऊपर की क्लोजिंग इसको 5500 और 5700 तक लेकर जा सकती है। तो यहां पर भी देखिए फार्मा स्टॉक जो है बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं फार्मा स्टॉक में जो है एक अच्छी तेजी अभी बची हुई है, अच्छी तेजी हम यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ग्रासिम। तो ग्रासिम में भी यहां पर देखिए अब मैं आपको सेम चीज वही चीज दिखाने जा रहा हूं। देखिए यहां पर भी कंटिन्यू एक चैनल पैटर्न में यहां पर देखिए ग्रासिम ट्रेड कर रहा था। अब ये देखिए यहां पर कंटिन्यू यहां पर चैनल पैटर्न में ट्रेड हुआ है। ट्रेड होने के बाद अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर देखिए लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बन रहा है। ठीक है, अगर आप इसको एक मैं आप लोगों के लिए एक और अगर ट्रेंड लाइन यहां पर ड्रॉ कर दूं तो आप लोगों को यहां पर एक देखिए इस तरह से पैटर्न दिखाई देगा। ये देखिए एक चैनल टाइप का पैटर्न यहां पर भी आपको दिखाई देगा। अब देखिए अब हम यहां पर किस चीज की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, अब हम यहां पर देख रहे हैं यहां पर कम से कम इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो। अब जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा और ब्रेकआउट होने के बाद 925 का लेवल क्रॉस करेगा, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही इस रेड कलर की जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, जैसे ही रेड कलर की ट्रेंड लाइन का यहां पर ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट होने के बाद यहां पर 925 का लेवल क्रॉस करता है तो हम यहां पर बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमको ब्रेकआउट कैंडल का लो लगाना है या फिर ये स्विंग लो के आसपास आप 860 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। देखिए जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था अडानी गैस में कि जो है चैनल का ब्रेकआउट होने के बाद कितनी जबरदस्त मूव होती है, सो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर वो जबरदस्त मूव अभी नहीं हुई है, अभी यहां पर सस्टेन कर रहा है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग यहां पर चल रही है। सो यहां पर अभी बहुत बड़ी मूव बाकी है ग्रासिम में, तो ग्रासिम में नजर बनाकर रखिएगा, ये स्टॉक हमको जो है बहुत अच्छी रिटर्न दे सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की मैं बात करूंगा तो अगला स्टॉक है हमारा अडानी ग्रीन। तो अडानी ग्रीन में यहां पर अगर देखेंगे तो देखिए यहां पर मे बी यहां पर ब्रेकआउट नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, किसी तरफ भी हो सकता है। मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूं फिर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए अडानी ग्रीन में वैसे भी एक बहुत जबरदस्त मूव हुई है, अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो देखिए 22 जुलाई, हम जुलाई की बात कर रहे हैं, जुलाई से लेकर के अगर हम बात करें नवंबर तक की, तो देखिए 300 का स्टॉक 1200 रुपए पहुंच गया है। मींस यहां पर 400 टाइम्स यहां पर रिटर्न जिन लोगों ने भी लिया होगा इनको 400 टाइम्स यहां पर रिटर्न मिली है। लास्ट दिवाली पर हमने इसको जो है इसमें हमने मोर ट्रेडिंग में इसमें हमने कुछ अपनी एंट्री बनाई थी, तो अब यहां पर देखिए चलिए वो एंट्री बनाई थी उसको हमने बुक भी कर लिया है। अब हम यहां पर दूसरे ट्रेड के लिए यहां पर इंतजार कर रहे हैं। अब ये देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है, अब ट्रेंड लाइन के पास ये देखिए आसपास ही सस्टेन कर रहा है।
ठीक है। अब यहां पर अगर नीचे का जो अगर ध्यान से देखेंगे सपोर्ट तो 975 के आसपास है और जो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो 1065 के आसपास है, तो मींस यहां पर 90 पॉइंट्स की यहां पर रेंज बनी हुई है। अब देखिए अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है, 975 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, तो हम यहां पर देखिए 850 का लेवल देख सकते हैं। मीन्स 950 का मीन्स यहां पर जो भी रेंज बनी हुई है, मान लीजिए यहां पर 90 पॉइंट की रेंज बनी हुई है, तो हम यहां पर टारगेट हमारा नीचे की तरफ ही 90 पॉइंट होगा। देखिए मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाता हूं, इस तरह से यहां तक आ सकता है देखिए अडानी ग्रीन। तो अगर देखिए अगर ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक होता है, सो देखिए मैं आप हम लोग यहां पर एक लॉजिक और लगा के देखेंगे। हम यहां पर देखिए इस तरह से ये देखिए हमने ये चीज लगा लिया है। अब अगर आपको ध्यान से देखेंगे तो हमको यहाँ पर 38.2, तो यहाँ पर थर्ड जो फिबोनाची जो लेवल है, फिबोनाची लेवल ये यहाँ पर देखिए 38.2 के आसपास ही यहाँ पर ट्रेड कर रहा है और मे भी यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो सकती है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद यहाँ पर एक अच्छी मूव हो सकती है। देखिए हम जो फिबोनाची लेवल यूज करते हैं वो मोस्टली देखिए जो 50 के लेवल पर आ जाता है वो मोस्ट रिलायबल माना जाता है, बट यहाँ पर 38.2 का लेवल भी बहुत अच्छा एक माना जाता है। सो यहाँ पर नजर बनाकर रखिएगा क्योंकि अडानी ग्रीन ने जो है देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो 6-7 महीनों के अंदर जो है 400 टाइम्स का रिटर्न दिया है, 300 का स्टॉक 1200 रुपए हो गया है 6 महीनों के अंदर। सो यहां पर नजर बना के रखिएगा, यहां पर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट जो है इसका हमारा पहला टारगेट जो होगा 1200 का होने वाला है। सो फिलहाल अभी ये 1036 के आसपास यहां पर ट्रेड कर रहा है, बट यहां पर हमको जो एंट्री लेनी है वो 1070 के ऊपर अगर क्लोज देता है तब हम ऊपर की तरफ जाएंगे। देखिए जो मैंने नीचे की क्लोजिंग है वो बताई है कि 970 के नीचे की क्लोजिंग नीचे की तरफ लेकर जाएगी, और यहां पर देखिए 1070 की मीन्स नीचे की 970 और ऊपर की 1070, 1070 का लेवल अगर क्रॉस करता है और क्लोजिंग ऊपर की तरफ दे देता है तो हम यहां पर 1200 के टारगेट के लिए जाएंगे। तो ये थे जो ब्रेकआउट स्टॉक्स जो हैं, जो नियर ब्रेकआउट है, ये उनकी लिस्ट थी, ये मेरी पर्सनल वॉच लिस्ट थी। सो मैंने ये वॉच लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अगर देखिए अपनी एनालिसिस एक बार खुद करिएगा, देखिए जो मेरी एनालिसिस में भी मैं गलत हो सकता हूँ, शिकायत आपकी एनालिसिस सही हो, आप सही हो सकते हैं, हर कोई देखिए परफेक्ट नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। मैं जो एनालिसिस करता हूँ अपने लिए करता हूँ, यहाँ पर अगर जो भी आप अगर ट्रेड लेंगे तो अपनी एनालिसिस खुद कर ट्रेड लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी देखिए मैं आप लोगों को जो चीज़ जो मैं बता रहा था कि यहाँ पर कोई परफेक्ट नहीं होता है, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी है, चाहे कोई बड़े से बड़ा ट्रेडर है, चाहे कोई इंस्टीट्यूशनल है, चाहे कोई FII है, DII है, स्टॉप लॉस सभी के होते हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसका स्टॉप लॉस ना होता हो, ठीक है। यहाँ पर अगर आप 50-60% भी अगर आप सक्सेस हैं तो आप समझ लीजिए बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। जो लोग इस मार्केट में कहते हैं कि हम यहाँ पर 100% की गारंटी देते हैं, वो लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पर देखिए एनालिसिस आप अपनी जरूर करिए, कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए। देखिए यहाँ से पैसा कमाना मार्केट से बहुत आसान है। अगर आप चीजों को सीखना चाहते हैं तो आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हमको व्हाट्सएप करते हैं, ईमेल कर सकते हैं आप angeltechanalysis@gmail.com पर, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मेरे को इस क्वायरी के लिए, कोर्स की क्वायरी के लिए 9878137600 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, अगर आपने टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप लोगों को बैंक निफ्टी की कंटिन्यू इंट्राडे की कॉल्स वगैरह मैं देता रहता हूं, चार्ट पोस्ट करते रहता हूं, टेक्निकल एनालिसिस आप सीखना चाहते हैं तो वहां से जाके आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। चलिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।